हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम के कुछ खास एड मनी ऑफर्स के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कुछ रिचार्ज प्रोमो कोड्स के बारे में जिनको अप्लाई करने के बाद आप अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर पाओगे पेटीएम से। तो अगर आप और जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे चल रहा है गिव अवे, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस गिव अवे में तो आपको सिंपली इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा और अपना पेटीएम नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और दोस्तों ध्यान रहे, आप एक ही बार कमेंट करना अपना पेटीएम नंबर, अगर आप दो तीन बार कर दोगे तो आप इस गिव अवे से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? तो आप एक ही बार करना कमेंट, ठीक है? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो पेटीएम के एड मनी प्रोमो कोड है। सबसे पहले मैं आपको प्रोमो कोड बता देता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों ये जो सबसे पहले मैं प्रोमो कोड बता रहा हूँ एड मनी प्रोमो कोड, ये है हमारे ओल्ड यूज़र्स के लिए। तो अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो पेटीएम के तो आप इन प्रोमो कोड को अप्लाई कर सकते हो अपने पेटीएम अकाउंट में, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपना पेटीएम अकाउंट खोल लेना है, मतलब कि पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। और इसके बाद आपको जाना है एड मनी में, और एड मनी में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली 2000 रुपये अमाउंट डाल देना है, ठीक है? 2000। और यहाँ पर हैव अ प्रोमो कोड में आपको डाल देना है बोनस, तो यहाँ पर आपको डाल देना है बोनस प्रोमो कोड, उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस ऑफर इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन योर अकाउंट, तो मेरे अकाउंट पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये किन के मतलब किस अकाउंट पे एप्लीकेबल हो पाएगा। तो अगर आपका एक कोई मर्चेंट अकाउंट है आपका, और आप ट्रांजैक्शन करते हो और मनी रिसीव करते हो अपने मर्चेंट अकाउंट में, तो जिनके मर्चेंट अकाउंट में 5000 से ऊपर मंथली रिसीव हो जाता है मनी, तो उनके अकाउंट पर ये आराम से एप्लीकेबल हो जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप एक मर्चेंट अकाउंट आपके पास है और आप 5000 से ज़्यादा अमाउंट मतलब बैलेंस अपने अकाउंट पर रिसीव करते हो, तो आपके अकाउंट पर ये वाला जो प्रोमो कोड है वो 110% अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को कैसे पता ये, क्योंकि दोस्तों मेरे अकाउंट पे ये अभी मेरे जितने भी अकाउंट मैंने सब पे अप्लाई करके देखा है, मेरे किसी भी अकाउंट में जो है ये वाला प्रोमो कोड मतलब अप्लाई नहीं हो पाया। और मेरे फ्रेंड के एक अकाउंट है जिसकी एक शॉप है, उसने अपने उस शॉप के मतलब जिसने उसका मतलब जो मर्चेंट अकाउंट वाला अकाउंट है उसमें उसने अप्लाई किया, तो उसके अकाउंट में ये अप्लाई हो गया। और उसके जो दूसरे अकाउंट है उसमें उसने अप्लाई किया तो उसके नहीं हुआ। तो मतलब कि मर्चेंट अकाउंट है अगर आपके पास और उसमें आप मनी रिसीव करते हो 5000 से ऊपर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रोमो कोड की ओर। तो सिंपली इसको कर दीजिए बैक, और यहाँ पर फिर से आपको 2000 अमाउंट डाल देने है, और हैव ए प्रोमो कोड में आपको यहाँ पर टाइप करना है सिंपली। टेन ऑन 2K, तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है 10 on 2K, और सिंपली इसको अप्लाई कर देना है। और दोस्तों ये जो प्रोमो कोड है ये भी मेरे अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं है। अब मेरे को दोस्तों इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को बिल्कुल नहीं पता, तो आप इसको अप्लाई करके देख लेना, शायद ही आपके अकाउंट पे जो है अप्लाई हो जाए, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोमो कोड की ओर। तो सिंपली इसको कर दीजिए बैक, और फिर से आपको जाना है एड मनी में यहाँ पर। और दोस्तों ये जो अब अगला हमारा प्रोमो कोड है ये आप न्यू यूज़र वाले ही अप्लाई करें, क्योंकि ओल्ड यूज़र पे ये वाला जो प्रोमो कोड है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपके पास एक न्यू अकाउंट है पेटीएम का, आप उसमें इसको अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये है जो प्रोमो कोड है, आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है 40, और हैव ए प्रोमो कोड में आपको डाल देना है न्यू 40, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कोड हैज़ बिन यूज मैक्सिमम टाइम फॉर टुडे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई करना है और 40 रुपये ऐड करने अपने अकाउंट में, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको सिंपली आपको रात के 12 बजे के बाद ही इसको अप्लाई करना है, जैसे ही 12 बजते हैं आप उसके बाद ही अप्लाई करना है इसको।
तो आपके अकाउंट पे ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कोड हैज़ बिन यूज मैक्सिमम टाइम ऑफ टुडे, तो प्लीज़ यूज़ न्यू 30। तो इसके बाद अगर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर 40 रुपये ऐड करना है तो आप 12 बजे के बाद ही इसको जल्दी से अप्लाई कर लेना, तभी अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रोमो कोड की ओर, और ये जो न्यू 30 एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेता हूँ मैं मेरे अकाउंट पे वर्क कर रहा है कि नहीं, और आप भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 30 रुपीज़ और यहाँ पर न्यू 30। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ये साफ साफ कह रहा है कि पेटीएम के जो न्यू यूज़र हैं वही इस प्रोमो कोड को अप्लाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर न्यू यूज़र नहीं हूँ। तो ठीक है, तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप इसको अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रोमो कोड की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रोमो कोड है वो है गोल्ड के लिए, अगर आप गोल्ड परचेस करना चाहते हो तो आप 10 रुपये का फ्री गोल्ड परचेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको जाना होगा यहाँ पर मोर के ऑप्शन में और यहाँ पर गोल्ड सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको यहाँ पर गोल्ड ऐसे नहीं मिलता तो आपको सिंपली मोर में जाना है और यहाँ पर गोल्ड सर्च भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गोल्ड मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट में डाल देना है 10 रुपये, और 10 रुपये में डालने के बाद आपको यहाँ पर हैव ए प्रोमो कोड में यहाँ पर आपको टाइप कर देना है free 10। तो आपको यहाँ पर free 10 डाल देना है और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो ऑफ़र इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस अकाउंट, तो मेरे अकाउंट पे ज़्यादातर प्रोमो कोड वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है बताना और आपका काम है यहाँ पर प्रोमो कोड को अप्लाई करना। अगर आपके अकाउंट पे ये वर्क कर जाता है तो आपको 10 रुपये का गोल्ड फ्री में मिल जाएगा और आप उसको सेल भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो सिंपली आप चलते हैं हमारे अगले प्रोमो कोड की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रोमो कोड है वो है रिचार्ज के लिए, तो अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो अपने मोबाइल नंबर को तो आप इन प्रोमो कोड के थ्रू अगर रिचार्ज करोगे तो आपको अच्छा खासा कैशबैक मिल पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब जो प्रोमो कोड है ये है न्यू यूज़र्स के लिए, तो अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आप यहाँ पर सिंपली आप 30 यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो प्रोमो कोड 30, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है और यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोमो कोड इज़ एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र ऑफ रिचार्ज और बिल पेमेंट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रोमो कोड है वो है, तो दोस्तों हमारा जो ये अगला प्रोमो कोड है वो भी है न्यू यूज़र्स के लिए, तो अगर आप एक फिर भी न्यू यूज़र है तो आप यहाँ पर फर्स्ट प्रोमो कोड को भी अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ पर 50 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हो। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस कोड इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑन फर्स्ट प्रीपेड रिचार्ज, तो अब अगर आप अपने अकाउंट से पहला प्रीपेड रिचार्ज करते हो तो आपको यहाँ पर 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रोमो कोड है वो है यहाँ पर ग्रैब 50। तो आप इसको अगर आप एक ओल्ड यूज़र हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो ये वाला प्रोमो कोड है ये हर मंथ रिन्यू होता है, जहाँ मतलब कि हर महीने यहाँ पर ये लॉन्च हो जाता है, रीलॉन्च होता रहता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो। तो अब मैं इसको सिंपली अप्लाई करता हूँ, तो मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ कर लिया अपने दूसरे अकाउंट पे, तो इस पे यहाँ पर मेरे मतलब किसी किसी अकाउंट पे ही है हमेशा रीलॉन्च होता है, सभी अकाउंट पे नहीं होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे इस अकाउंट पे नहीं हो रहा है, तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो खुद देखो दोस्तों जो जितने मैंने यहाँ पर अभी प्रोमो कोड बताए हैं उनमें से ज़्यादातर मेरे अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कैशबैक नहीं देंगे, मतलब कि अगर आप उसको अप्लाई करोगे वो जो प्रोमो कोड है मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वर्क ना करे। तो मेरा काम है दोस्तों आपको बताना और आपका काम है उनको ट्राई करना अपने अकाउंट पे। तो अगर आप ट्राई करते हो ये सारे प्रोमो कोड, इनमें से बहुत सारे प्रोमो कोड आपके अकाउंट पे अप्लाई हो जाएंगे, तो आप इन सभी को अप्लाई करना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा आखिरी प्रोमो कोड है, लास्ट प्रोमो कोड है आज की वीडियो का, वो है ग्रैब 25। तो आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है ग्रैब 25 और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये वाला प्रोमो कोड भी मेरे अकाउंट पे एलिजिबल मतलब कि एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो
बस आज की इस वीडियो में इतने ही प्रोमो कोड थे, और अभी जैसे ही कोई नया प्रोमो कोड लॉन्च होता है मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस वीडियो को शेयर करना होगा, और अपना पेटीएम अकाउंट नंबर कमेंट करना होगा, ठीक है। और एक ही बार कमेंट करना, दो तीन बार मत कर देना। अगर आप कहीं सोच रहे हो कि गिव अवे को जीतने के लिए अगर आप दो तीन बार कर दोगे तो आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो जो गिव अवे का विनर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा, और जो विनर होगा उसको इंस्टेंटली लाइव मैं 10 रुपये का पेटीएम कैश आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जितने लोगों के साथ आप शेयर करोगे सभी इस ऑफर्स का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।